हाई ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे हाउ कैन वी फिल्टर एंड सॉर्ट अ सीरीज। सो जब हम पांडास करते हैं उसमें से पहले डेटा स्ट्रक्चर जो हम कर रहे हैं वो सीरीज है एंड वी हैव परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन सीरीज। सो एज पार्ट ऑफ योर क्लास 12th आईपी सिलेबस वी हैव टू डू वन मोर थिंग इन दैट इज आप उस पर फिल्टरिंग कैसे लगा सकते हो, मतलब कंडीशंस पे बेस्ड वैल्यूज कैसे फेच कर सकते हो and how can you sort it, that means how can you arrange the data in increasing or decreasing order. So let's see how do we do that. So this is the last topic in series. Iske baad hum series pe based questions jo exam mein puche jaate hain unki practice karenge taki aapko series ke questions acche se samajh aa jaye ki kaise application hogi unki, and then we'll start with data frames. So let's start with filtering and sorting of a series. सो यहाँ पर मैं एक सीरीज ले लेती हूँ कुछ भी, मान लो मुझे इम्प्लॉयज़ की सैलरीज लेनी है तो मैंने यहाँ पर सीरीज का नाम दे दिया सैलरी एंड आई क्रिएटेड सो कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं ठीक है, आई हैव टेकन एनीथिंग लाइक दिस। तो ये पांच वैल्यूज़ मैंने ले ली, सो ये हमारी सीरीज़ क्रिएट हो चुकी है। अभी अगर मैं सीरीज़ को प्रिंट करूँगी तो एज यूजुअल योर फर्स्ट इंडेक्स इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री, फोर, एंड ये इसकी वैल्यूज़ आ गई ठीक है। आपको इसमें मान लो सिर्फ वही वाली सैलरीज़ देखनी है जो 50,000 से ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। मैं चाहती हूँ 50,000 हो या 50,000 से ज़्यादा हो, पर ऐसा लिखने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू फॉल्स में, ना कि वो एक्चुअल वैल्यूज़ को शो करेगा। सो वो क्या शो कर रहा है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। क्यों? क्योंकि 45,000 ग्रेटर देन 50,000 इज़ फॉल्स, 34,000 भी फॉल्स है, 24,000 भी फॉल्स है, 56,000 ट्रू है, 52,000 भी ट्रू है, सो इट इज़ गिविंग ट्रू फॉर दैट। बाकी जगह पे वो क्या दे रहे हैं, फॉल्स। अगर आपको ट्रू फॉल्स नहीं प्रिंट करने लेकिन आपको वैल्यूज़ ही प्रिंट करनी है तो आपको ये चीज़ सैलरी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में देनी पड़ेगी ऐसे। अब अगर इसे मैं रन करूँगी तो जहाँ पे फॉल्स है वो वाली वैल्यूज़ प्रिंट नहीं होंगी और जहाँ पे ट्रू है वो वाली वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। सो आप देख रहे हो सिर्फ इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4, दैट इज 56,000 एंड 52,000 शो हो रहा है और ऊपर वाली वैल्यूज़ शो नहीं हो रही हैं। सो जो फॉल्स है वो शो नहीं होगा, जो ट्रू है वो ही शो होगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फिल्टर, दैट मीन्स वी कैन चेक कंडीशंस ऑन अ सीरीज। अब ऐसे ही हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना हो। सो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको क्या कंडीशन चेक करनी है। जैसे यहाँ पर हमने 50,000 से ज़्यादा वाले देखे, अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 40,000 से कम वाले देखने हैं तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन को चेंज कर दोगे। यू कैन मेक इट लेस देन इक्वल टू 40,000। सो इफ़ आई डू दिस और मैं इसको रन करूँगी तो वो सिर्फ उनको दिखाएगा जो 45,000 से कम अर्न करते हैं, लाइक 34,000 एंड 24,000। सो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जितनी कंडीशन है ये सिर्फ हमें एक सीरीज ऑफ ट्रू फॉल्स देती है, और फिर हम एक सीरीज के साथ लिस्ट ऑफ ट्रू फॉल्स वैल्यूज दे सकते हैं। जहाँ जहाँ पर ट्रू होगा वो वैल्यूज प्रिंट होंगी और जहाँ जहाँ पे फॉल्स होगा वो वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी। दैट इज़ हाउ वी चेक द कंडीशंस, राइट। जैसे कि मान लो मैंने अभी यहाँ पे नेम्स ले लिए, सो पीडी डॉट सीरीज एंड आई हैव टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ नेम्स। सो मैंने यहाँ पे लिया अंजलि, देन लेट्स से पूजा, राहुल, अरव एंड कबीर। ओके, मुझे इसमें से अब सिर्फ वो वाले लोग दिखाने हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, दैट मीन्स जहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो ए है, समथिंग लाइक दैट। या आप चाहते हो कि जिनका नाम एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर वैल्यू को मैच करता है, मान लो जिसका नाम exactly पूजा है, you have to show that. So कोई भी condition ऐसी आपको check करनी है अगर, तो आप वो condition यहाँ पर लगा सकते हो। तो जहाँ जहाँ पर true आएगा वो उन नामों को दिखाएगा, otherwise नहीं दिखाएगा।
सो यू कैन चेक अ कंडीशन, ऑल दो नेम में अगर हम इक्वल टू चेक करेंगे तो दैट विल नॉट मेक मच सेंस ओवर हियर, बट स्टिल अगर आप लगाना है तो उसको कैसे लगाएंगे. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट नेम्स इज इक्वल टू राहुल लेट्स से, ठीक है, प्रिंट नेम्स इज द नेम ऑफ माई सीरीज, या सो इफ आई राइट दिस तो वो क्या शो कर रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि राहुल वाली जगह पे ट्रू आएगा और बाकी सब जगह पे फॉल्स आएगा. पर आपको ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, आपको नेम की वैल्यू चाहिए, तो आप नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट में ये कंडीशन लिखोगे ताकि जहाँ पे ट्रू आए वो वहाँ पे वैल्यू शो करे, अदरवाइज वो वैल्यू को शो ना करे. सो इसको अगर मैं अभी रन करती हूँ, सो इट्स गोइंग टू प्रिंट राहुल ऑन द स्क्रीन, ठीक है. सो ऐसे हम कंडीशंस दे सकते हैं. अब आती है बारी सॉर्टिंग की. अगर मुझे सॉर्ट करने मैं चाहती हूँ नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नेम्स डॉट सॉर्ट वैल्यूज. अगर मैंने सॉर्ट वैल्यूज लिखा और इसे रन किया, तो अब आप देखोगे कि जो नेम्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं. सो पहले ए से शुरू हो रहा है आरव, डबल ए है इसलिए वो पहले आया, फिर अंजलि, देन कबीर, पूजा एंड राहुल. सो दिस इज हाउ इट इज सॉर्टेड. बाय डिफॉल्ट हम जब भी सॉर्ट करेंगे, चाहे हम सैलरीज को सॉर्ट करें, चाहे हम अपने नेम्स को सॉर्ट करें, मतलब चाहे नंबर हो या स्ट्रिंग हो, जब भी सॉर्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. तो अगर मैं अभी इसको सॉर्ट करती हूँ तो देखो ये आपकी सैलरीज आ गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 24, 34, 45, 52, 56, और ये नाम आ गए. पर अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप सॉर्ट वैल्यूज की ब्रैकेट में लिखोगे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स. तो ऐसे ही आपको आउटपुट क्वेश्चन में लाइन दी हो सकती है ऐसे, और आपको बताना होगा कि इसका आउटपुट क्या है. सो इसमें जो है वो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सैलरी को शो करेगा. देखो 56,000 सबसे पहले आया, फिर 52,000, फिर 45, फिर 34, फिर 24. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो सॉर्ट वैल्यूज के साथ ब्रैकेट में लिखना होता है असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स. तो उससे क्या होता है कि आपकी सॉर्टिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर. सेम चीज आप स्ट्रिंग्स के साथ भी कर सकते थे. सो दैट इज हाउ वी सॉर्ट अ सीरीज. आप सीरीज को इंडेक्सेस के अकॉर्डिंगली भी सॉर्ट कर सकते हो. तो अगर आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है तो आप लिख सकते हो सॉर्ट इंडेक्स. बट अभी तो इंडेक्स मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 ही है, तो मैं अगर सॉर्ट इंडेक्स करूँगी भी तो भी 0, 1, 2, 3, 4 ही आएगा. सो इट विल बी लाइक दैट. अब ये नेम्स के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड नहीं है, ये इंडेक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड है. इंडेक्स के अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे. तो पहले इंडेक्स 4 वाला आएगा, फिर 3 वाला, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 वाला. सो दैट्स हाउ योर सॉर्टिंग वर्क्स ऑन अ सीरीज. सो ये हमने अभी एग्जाम्पल किए कि किस तरह से हम सीरीज को फिल्टर कर सकते हैं या हम सीरीज को सॉर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है. इफ़ येस डू क्लिक द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. सो सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द चैनल एंड इट्स फॉर फ्री. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, बट इट रियली मैटर्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द चैनल कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और आपको प्रोवाइड कर सकूँ. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.